खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। राजधानी लखनऊ में डेंगू से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। त्रिवेणी नगर के युवक की डेंगू से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं डेंगू से अब तक 11 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 नए मामले सामने आए हैं। इससे अब तक डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 1420 हो गया है। आमतौर पर माना जाता है कि डेंगू मानसून जनित बीमारी है, लेकिन जाड़े में भी इस बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों होता है डेंगू और क्या है इससे बचाव के उपाय हमारी इस खास पेशकश में। बरसात में कहर बरसाने वाले डेंगू का कहर जाड़े में भी जारी है। डेंगू के रोज नए मरीज आ रहे हैं। बता दें कि डेंगू मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। एडीज इजिप्ट मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वो उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला मच्छर किसी इंसान को काटता है तो उसे भी डेंगू हो जाता है। मच्छर के काटे जाने के करीब 3 से 5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। डेंगू 3 प्रकार का होता है, पहला क्लासिक डेंगू बुखार, दूसरा डेंगू हेमरेजिक बुखार और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे तरह का डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को दूसरे और तीसरे श्रेणी का डेंगू हो जाए तो उसे जान का खतरा हो जाता है। आमतौर पर मानसून में होने वाला डेंगू बुखार अब जाड़ों में भी होने लगा है। डेंगू के बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। डेंगू से बचाव के उपाय अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं सरकार को भी चाहिए कि वो समय समय पर फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करवाए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।